आदित्य हो गया क्वेश्चन वो? हाँ सर, मैंने आपको मैसेज किया ना, लेकिन आंसर आई थिंक आपने क्या किया था, आंसर मैच किया उससे? 54 है ना। ठीक, कौन सा क्वेश्चन था वो? फोर्थ इज डी, 66 है एक्चुअली। अच्छा आप सिक्स का बोल रहे हैं आप, 54? हाँ नहीं नहीं वो जो क्वेश्चन ऑन था वो फोर्थ था ना, कंप्लीट नहीं था ना क्वेश्चन। एक मिनट, जो इनकरेक्ट वाला था वो कौन सा था, जिसमें वो फर्स्ट फाइव एंड लास्ट था, सॉरी फर्स्ट सिक्स एंड लास्ट सिक्स? फोर्थ का एक्चुअली। फोर्थ का क्या है आंसर? फोर्थ का एक्चुअली 66 है। आई थिंक आपने सिक्स का भेजा होगा, 54। एक मिनट सर। हाँ सर, फोर्थ वाले का मेरे को ये आया, कौन सा है? हाउ डिड यू गेट 66 सर, कैन यू एक्सप्लेन? ठीक है ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। और सिक्स तो नहीं हुआ था आपसे, सिक्स मुझसे नहीं हुआ था। रिया कैमरा चालू करो, आदेश स्नेहा आदेश सुचन और कैमरा स्नेहा बाकी लोगों ने किए प्रैक्टिस क्वेश्चन? रिया ट्राई किए क्वेश्चंस सर? इन द फोर्थ क्वेश्चन ठीक है कर लेना, याद है सर। इन द फोर्थ क्वेश्चन जो टोटल है दैट कम्स अप टू 780। 780 हाँ, 13 इनटू 60 ना? 13 नहीं बेटा, 11 है ना सर, आपने कहा था 13 है ना, फर्स्ट सिक्स एंड लास्ट सिक्स। हाँ नहीं नहीं वो एक्चुअली, हाँ सॉरी सॉरी एक मिनट, ओके ठीक है एक मिनट करता हूँ मैं। कल टेस्ट है आप लोगों को पता है ना, कल इंग्लिश का टेस्ट है। भाई मैथ्स का टेस्ट भी है? नहीं नहीं अभी वो बात करने में बिजी है। कल कौन सा टेस्ट है? ठीक है, और नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक आई थिंक दोनों है। ठीक है तो प्रिपेयर रहना, इंग्लिश भी रहेगा मैथ्स भी रहेगा। मैथ का फोर्थ कितना किया अभी? 2 किए ना, परसेंट हो गया ना, तो एस आई एंड सी आई हो जाएगा। ठीक है, एवरेज नहीं है बेटा, एवरेज फिफ्थ है। ओके ठीक है, एस आई एंड सी आई, बाकी लोग भी सुन लो। नेक्स्ट में टेस्ट है हमारा संडे को, एस आई एंड सी आई। क्वेश्चन नंबर 4 किया किसी ने? होमवर्क है? हाँ हाँ सर। नहीं होमवर्क नहीं, प्रैक्टिस। Thank you.
आदित्य एक्चुअली क्या 11 नंबर्स थे ना, ठीक है, तो मैंने क्या 606 बोला था ना? सर टोटल नंबर 11 है कि 13 है? 11 है, 11. अच्छा 11 ही है. हाँ, I heard वो first six and last six और बीच का seventh वाला निकाला. नहीं 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 ऐसे तो ये six थे. अच्छा overlapping वाला. Okay, got it. ये six. ठीक है. Question. अच्छा. मुझे question नहीं समझा, मुझे लगा 13 numbers है. नहीं नहीं ठीक है. तो एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट था. द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 60 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सिक्स रिजल्ट्स एक्चुअली ओके सिक्स रिजल्ट्स फ्रॉम द लास्ट एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ओके वो था तो 60 फाइंड करना था मुझे. तो 6 मींस ये कॉमन हो जाएगा दोनों में. ठीक है, इनका एवरेज गिवन है मुझे 58, उसका एवरेज है 63. ठीक है, और ओवरऑल एवरेज गिवन है मुझे दैट इज इक्वल टू 60. तो सम अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल का कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा. इसका कितना हो जाएगा, इसका सम 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई. ठीक है, समझा आपको. अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि देखो इसका दो बार ये ऐड हुआ होगा, अगर इनको ऐड कर रहा हूँ तो ये दो टू टाइम्स क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है. ठीक है, तो अगर मैं टोटल में से इसके एडिशन से टोटल माइनस कर दूंगा, यू विल गेट दिस सिक्स नंबर वाला. आया समझ में? निशी, यस सर, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, प्रैक्टिस सीट्स दी थी ना जो मैंने, उसका क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो इनकम्प्लीट था क्वेश्चन, उसमें एक्चुअली था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स नंबर्स. ठीक है, तो क्या था, ये जो 6 था इनिशियली 6 का एवरेज था 58, तो 6 से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट द समेशन ऑफ दैट 6 नंबर्स. ठीक है, सिमिलरली लास्ट 6 का था तो 63 इनटू 6 यू विल गेट 378, ऐड करके इसको माइनस कर देंगे तो यू विल गेट 6 नंबर. ओके, कितना आएगा एडिशन, तो ऑटोमेटिकली विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर. आपका कौन सा डाउट था, क्वेश्चन नंबर 2 और 6 हो गया आपसे? डन. पेपर कैसा था इस बार का? बहुत प्रैक्टिस करी, एक्चुअली पता था कि टेस्ट होगा. सर एक क्वेश्चन में डाउट था 20th वाले में.
करना भी नहीं है एक्यूरेसी बढ़ाना है, एक्यूरेसी कम थी, आपको मैच कर गया वो ऑप्शन और यू आर कॉन्फिडेंट की यही आंसर है ना, और वो आंसर था नहीं। तो क्या आप लोगों के साथ एक तो थोड़ा इशू होता है कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, उससे डाउट पूछ रही थी ना, वो अच्छे से पढ़ते तो क्वेश्चन तो मैंने बताया तो आप सही लगने लगा क्या अभी भी चला ये एवरेज और नंबर 20% कॉमा लगा और नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, थोड़ा तो खुद से कर ले ठीक है, ये हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर टू, ये किसी ने क्वेश्चन नंबर टू निशि आया समझ में है, निशि क्लियर ट्राई किया आपने क्वेश्चन निशि? यस सर। देयर वर 35 स्टूडेंट इन हॉस्टल। Due to the admission of 6-7 new students, the expenses of the mess were increased by 42 per day. ठीक है, तो 35 पहले थे, अभी क्या किया 7 का और एडमिशन हुआ, ठीक है 35 आंसर बोल रहे हो, आंसर 35 का आंसर सेकेंड क्वेश्चन, ओके तो ये इंक्रीज किया 42 पर डे, ओके व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाय 1 रुपीस, ठीक है तो एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो ये डिमिनिश किया रुपीज 1 से। व्हाट आर द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पर डे, इसमें क्या हुआ, ये आ जाना चाहिए था, एक्सपेंसेस एक्चुअली क्या होगा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है 42 पर डे 42 रुपीस पर डे, अगर लेट से अगर मेरे पास टोटल हो जाएंगे न्यू में टोटल टोटल हो जाएंगे, इंक्रीज करने की बात है टोटल नहीं आएगा, अगर मान ले रहा है 100 रुपीज था तो अभी 142 हो गया पर डे का, ओके ये बोला है ठीक है, एक्सपेंडिचर पर है डिमिनिश बाय 100, तो अगर वो अगर लेट से 50 रुपीस था तो 49 ऐसा हो रहा, चलो सोचो थोड़ा सा, करोगे अभी ट्राई, बाकी लोग भी ट्राई करो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू, होमवर्क किया होमवर्क एक्सरसाइज सबने, पेंडिंग नहीं रखना कुछ भी, अभी हम रेशियो पर कोशिश कर रहे हैं टाइमिंग वर्क स्टार्ट करेंगे। आदित्य सिक्स्थ नहीं हुआ था ना, फिर
समझ में नहीं आ रहा, ठीक है मैं एक आइडिया दूंगा, ठीक है फिर आप ट्राई करना, नहीं होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर पर हेड दिया है मुझे, डिक्रीज हो रहा है 1 रुपीज से, ठीक है एक्स वाई लेके कर लो अगर करना है आपको, कुछ भी हो सकता है क्या जो एक्चुअली क्या कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अजीब हो सकता है। अच्छा ये बताओ एक्सपेंसेस क्या होंगे? 42 रुपीस प्लस एक्स। नहीं नहीं इन जनरल पूछ रहे हो ना आप, क्या क्या कर सकते हो वो कुछ साइलेंट करो। पता है कोई कैसे करेंगे आदित्य, कैसे करेंगे क्वेश्चन है सेकंड वाला? सेकंड हाँ सर, हम पहले ओल्ड एवरेज निकालेंगे, उसको हम लेंगे ओरिजिनल एक्सपेंस x रहने दो, टोटल एक्सपेंस ओल्ड एवरेज पे x by 35, ठीक है ये हमारा एवरेज, न्यू एवरेज विल बी x plus 42 upon 42, ठीक है x plus 42 टोटल एवरेज, टोटल सम निकाल रहा हूं ना मैं, 42 रुपीस इंक्रीज हो रहा है डिवाइड बाय 42 टोटल 42 हो जाएगा, नया हो जाएगा हां, तो दैट इज इक्वल टू x by 35 minus 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x equal to 420 है। इसकी बाद में मिल जाएगी, निकाल लेंगे हम। इसका 6 करना, हाँ। आगे। आंसर की दी थी ना पीछे। तो आज हम टाइम वर्क करने वाले हैं। हाँ स्टार्ट करेंगे, बस एक क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, इसके बाद देन विल स्टार्ट। ओके सर। करो आंसर निकालो जल्दी। क्या हमारा क्वेश्चन है देखो, 42 क्या बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस जो टोटल मैच के थे ना दैट विल बी इंक्रीज बाय 42, तो एक्सपेंस कितना है जो किया था मैंने, एक्स एक्स किया था ना एक्सपेंसेस, जैसे 100 बोला था तो 142 हुआ ना, तो अभी एक्सपेंसेस एक्स था तो नेक्स्ट न्यू एक्सपेंसेस कितना हो जाएंगे, एक्स प्लस 42, ओके तो ये एवरेज हुआ, तो नया एवरेज कितना होगा, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो ये हो गया इनका जो डिफरेंस था वो हमें क्या दिया था, ठीक है और डिक्रीज क्या था, तो ये माइनस इनका, क्योंकि पहले ओरिजिनल तो 35 ही थे ना ओरिजिनल एवरेज, ओके ये ओरिजिनल एवरेज, ये न्यू एवरेज, ठीक है तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, बस फाइंड हो जाए। कैसे कैसे बोला
डन आया नहीं चलो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं लोग डिस्कस पढ़ो लोग द एवरेज मार्क्स ऑफ सिक्स इज 20 दैट इज 60 हां आई थिंक आई गॉट इट ओके कैसे ट्राई कैन आई ट्राई सर हां हां तो हमने सिक्स स्टूडेंट्स का टोटल 384 आता है तो एक स्टूडेंट को 70 आया तो फाइव स्टूडेंट्स का 314 हो गया ठीक है तो अभी उसमें से इट इज रिटन दैट वन एवरीबॉडी हैज गॉट डिफरेंट मार्क्स सो इफ यू अज्यूम द लोएस्ट मार्क्स टू बी 40 देन द सेकंड लोएस्ट विल बी 41 तो हमको लोअर लिमिट मिल गया एंड तो वो दो नंबर सबट्रैक्ट करने का एंड एट द थर्ड लोएस्ट बी 42 तो वी विल सबट्रैक्ट 314 माइनस 40 माइनस 41 माइनस 42 तो उससे हमको आता है 191 अब 191 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको आता है 95.5 So let the highest be 96 and the second highest be 95. I have to be on the highest. 95 minus 41, 54. ठीक है करें approach. ठीक है तो मैंने ये लिख दिया A, B, C, D, E. ठीक है कितने six हैं? F. ठीक तो दैट मीन ये अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए ठीक है तो 40 या 40 के मार्क्स अबव है हम लोग इसको मिनिमम करना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 40 चाहिए मिनिमम तो ये तो 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा क्लियर समझा अभी इसको अगर मैक्सिमम चाहिए मुझे तो ये मैक्सिमम कब आएगा जब यहाँ के प्रीवियस वाले भी मैक्सिमम आएंगे नंबर्स ठीक है तो या तो 70 इसको दे दो या 70 इसको दे दो ऑप्शन है मेरे पास समझा ना क्यों अगर इसको अगर 70 दे दिया तो ये ज्यादा है और भी तो ज्यादा हो सकता है ना 70 ठीक है तो मैक्सिमम हमने एक पॉसिबिलिटी के इन दोनों को हमें 70 दे दिया तो एक चॉइस है या तो सी को दे दो या डी को दे दो ठीक है तो उसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करें 41 क्यों दिया देखो ये क्या चाहिए मुझे मिनिमम चाहिए ना बी तो मिनिमम कितना हो सकता 40 ठीक है लेकिन 40 अगर इसको 40 दिया तो ए उससे 40 से कम हो जाएगा होगा नहीं
हाँ दे सकते हो, लेकिन आपने जैसे 42 बढ़ाया तो ये क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे 41 पुट करो या 42, तो ये मैक्सिमम किसके इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा कि इसमें मिलेगा, 41 में, क्योंकि हमें मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना है ना, सो दैट्स व्हाई विल टेक VIH 41. क्लियर, समझा? तो ये दो नंबर फिक्स हो गए, आपको समझ में आया? निशि, ओके, आदेश, ओके, तो ये दो तो क्लियर हो गए कि ये 40 और 41 होना चाहिए. तो ये अभी एडजस्टमेंट आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आपको कर सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि टोटल समीशन कितना 384 है, तो ये तीन तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक 70 भी आने वाला, तीन माइनस करके फिर इनका एडजस्टमेंट करना किसमें, डी ई में, क्योंकि एफ से हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना, एफ से कोई मतलब ही नहीं है, डी ओ ई के में देखना है. ठीक है, ट्राई करना, नहीं होगा तो हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे. सर हम लोग डी को 70 लेके सी को 42 ले सकते हैं ना? हाँ हाँ ले सकते हैं, वही करना पड़ेगा, बिकॉज अगर सी को 70 ले तो फिर डी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. क्यों ज्यादा होगा बता? Because one of them scored than 70 ना, तो हमको second highest चाहिए, तो third highest हो जाएगा. वो सही है आपका, B याद रखना ये चीज़ है, आप जब solve करोगे तो यहाँ पे मिलेगा C not be 70, याद रखना, okay? Clear? तो D को ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 आएगा. ठीक है, D को आएगा, वो बताएगा आदित्य, आदित्य explain करो. अभी बोला उसने आदित्य, क्यों नहीं हो सकता सी 70? क्योंकि अगर हम हमने लिखा है कि one of them scored 70, तो अगर हमने सी को 70 लिया तो हमको डी को 70 से ज्यादा कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा फिर, बिकॉज हम ई और एफ को मैक्सिमम वैल्यू दे नहीं पाएंगे. जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें करके देखना, आपको समझ में आ सकता है. ये डिफरेंस ही चाहिए ना बस, समझ ठीक है. आप एक बार सोचना, दो मिनट बैठ के खुद से ट्राई. ये सब सोचने कैसे करना है, उसमें 10 मिनट चला गया एग्जाम में थोड़ी. बेटा एक्चुअली मैं बताऊं आपको, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द इंदौर इटसेल्फ, आईबीएम इंदौर का ही क्वेश्चन है, जेपीवाई के प्रीवियस क्वेश्चन ही, लास्ट टू लास्ट ईयर का. ये क्वेश्चन कैसे करना है वो सोचने के लिए 10 मिनट लगा, सॉल्विंग तो दूर की हो जाएगा बेटा वो, इसलिए उसका फिर वो मार्किंग भी कम आएगी ना फिर ऐसे. ठीक है, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मैं डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी हम लोग लास्ट में, कि कुछ क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है, लास्ट मोमेंट के लिए रखना है ना, तो उसी कैटेगरी में आने वाले. लेकिन यही आपका एक्चुअली स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा, है ना, ओके, करेंगे वो स्ट्रेटजी में लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूरे हो जाएंगे तो. ओके क्लियर, अभी स्टार्ट करते हैं, टाइम मिल बहुत. Can I start? So, the name starts in the history is there. The first one is a good idea. So, if I go over the chapter, it's two points. कौन से टॉपिक जो कवर किए हम लोगों ने? ठीक है, क्लास का देखो मुझे याद है, नहीं मैं बताता हूँ अभी, डाउट सेशन का शायद सेशन रखेंगे कुछ ऐसा, मैं एक बार कंफर्म करके आपको ग्रुप में डाल पाता हूँ. हाँ उसमें तो आप नहीं डालते,
बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इजी कब है? जब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो बहुत प्रैक्टिस लगेगी इसमें, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूं जो आप लोगों ने क्लास टेंथ में पढ़ा, ठीक है? यूनिटरी मेथड से किया ना क्वेश्चंस, वन डे का वर्क कितना निकलेगा ऐसे करके क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई ए पर्सन है, ठीक है, किसी वर्क को कितना ऐसे 12 डेज में कर रहा है, ठीक है? तो वर्क को हम लोग क्या अज्यूम करते थे, कोई बताएगा कितना अज्यूम करते थे हम लोग? वन यूनिट, याद है 1/12, लेकिन 1 क्या होता था वहां पर? 1 यूनिट ऑफ वर्क एक्चुअली अज्यूम करते थे, कि मींस कंप्लीट वर्क को हम लोगों ने 1 यूनिट अज्यूम किया, ठीक है? तो बोलोगे क्या कि 12 डेज में कितना कर रहा है वर्क? 1 यूनिट, ठीक है? 1 ही बोलते थे, 1 यूनिट। तो अगर मैं बात करूं 1 डे में कितना वर्क करेगा, ठीक है, 1/12 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है? वी कैन से 1/12 यूनिट्स पर दे, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली एफिशिएंसी। सो हम लोग क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी, समझा? तो वहां पर वर्क में लिखा होगा कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, तो याद रखना दैट इज गिवन फॉर यूनिट वर्क पर, सॉरी ये क्या है, यूनिट पर डे रहेगा, इट मींस इतना एक दिन में कितना वर्क करने वाला, क्लियर? ठीक है, तो इसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी में, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं डे में का डे का, तो व्हाट आई विल गेट बताएगा कोई? एफिशिएंसी में अगर मैं डे का मल्टीप्लाई करूं, दैट मीन टोटल वर्क आ जाएगा, हां टोटल वर्क आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर, ठीक है, समझा ना? तो एफिशिएंसी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और डे को कैपिटल डी और स्मॉल डी से कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ओके? ई इज नथिंग बट योर एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, ओके? डी इज नंबर ऑफ डेज जिसमें वो वर्क कंप्लीट करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क, क्लियर, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं किसी दो कोई पर्सन है ए एंड बी, ओके, दे आर डूइंग सेम वर्क, तो कैन आई से कि यहाँ पे W तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा? अगर मैं सेकंड के लिए बात करूं, लेट्स इसको A लिख रहा हूं, सिमिलरली B इनटू D, और वर्क इज कांस्टेंट, सो कैन आई से कि E1 इनटू D1 विल बी इक्वल्स टू EB इनटू, ठीक है? तो अगर दो पर्संस हैं, डिफरेंट पर्संस हैं, इनकी एफिशिएंसी डिफरेंट है, ओके, तो अगर उनके अगर वर्क को कंपेयर करना है, तो वी कैन डायरेक्टली से एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नथिंग बट योर वर्क वन, ठीक है? वर्क क्या हमारे पास सेम, ठीक है? नीड आउट, ओके, समझा ना? एफिशिएंसी और डे का वर्क क्या हो जाएगा मेरे पास? तो अगर मैं यहां से रेशियो की बात करूं, लेट्स से ए बाई ईवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीबी बाई डीए, एग्री करते हो सब लोग? तो वर्ड्स में वो बोल सकता हूं कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा टू पर्संस का, that will be reciprocal of the days, okay, ratio of the reciprocal of the ratio of the days, clear? अगर मैं बोल रहा हूँ कि A is और B की जो efficiency है, that is 2:3, तो days का ratio क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा days का ratio. Got it? Clear? Okay?
क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको कॉन्फिडेंस आएगी। तो एक्चुअल में क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो आप लोग टेंथ में करते हैं तो उसमें अगर मैंने क्या कि 12 डेज में किया वर्क को, वन वर्क किया तो वन डे में कितना कर रहे हैं हम लोग, 1/12 कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो इसमें फ्रैक्शंस आते थे आपके, ठीक है। तो इस एक्चुअली कौन सा मेथड है हमारे पास, यूनिटरी मेथड, ठीक है। इसको यूनिटरी मेथड से नहीं करेंगे हम लोग, इसको फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करके करेंगे, ठीक है। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, वर्क को वन यूनिट नहीं अज्यूम करेंगे, ठीक है। वर्क को हम लोग कुछ और ही करेंगे अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग जो मेथड मैं बताने वाला हूँ उससे करेंगे, ठीक है। Let's say एक A that completes a work in sir 58.34 days. इसका आंसर क्या आंसर? Wrong है, ठीक है। उसका आंसर नीचे लिखा है, देखो, ठीक है। वेट करो आदित, है ना, आप ट्राई करो, अच्छा है, ठीक है। तो A का let's say अगर मैं work बोल रहा हूँ कि A completes a work in 3 days and B completes a work in let's say 4 days, okay. तो जब दोनों combined करेंगे A plus B, कितने day में work करेंगे, तो answer बताओ मुझे इसका। आदित्य, tell me the answer for this. If A work do a work in 3 days, B do a work in 4 days, so A plus B मिलके combined together कितने days में complete करेंगे work from? 1.12/7 Okay, 12 by 7 सर, करेक्ट। तो क्या बोलोगे आप, वर्क कर रहा है कितना करेगा, 1/3 यूनिट्स। बेटा यहाँ पे देखो, ये 1/3 यूनिट्स कर रहा है, बी कितना करेगा, 1/4 यूनिट्स एक दिन में पर डे, ठीक है। तो अगर मैं क्लब करूं तो वन डे में टोटल वर्क कितना होगा, दोनों में रहकर कितना वर्क करेंगे, 1/3 + 1/4, ओके। एलसीएम लो लोगे दैट विल बी 7/12, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, एक दिन में कितना 7/12 वर्क कर रहे हैं, तो कितना वर्क था मेरे पास, वन वर्क, तो वन वर्क उल्टा हो जाएगा ऐसे रिसिप्रोकल, है ना। क्या मेरा एक्चुअल में ये वन डे का वर्क मिला मुझे, ठीक है, मुझे कितना चाहिए, वन वर्क चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 12/7, क्लियर है सबको, ठीक है। तो हम लोगों को इस मेथड से करना नहीं, तो ये नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे नहीं करना, ये हम लोग क्लास 10th में करते, ठीक है। करना क्या आपको यहाँ पे, ठीक है, ट्री बनाएंगे हम लोग, दैट इज योर वर्क, ओके। कितने पर्संस हैं, ए एंड बी, ए कितने दिन में कर रहे हैं वर्क को, 3 डेज, बी 4 डेज, ठीक है। तो अभी क्या करूं, मैं वर्क को 1 एज्यूम नहीं करूं, मैं क्या करूं, इनका एलसीएम एज्यूम करूं, कितना एलसीएम, 12। तो आप बोलोगे सर 12 वर्क मैंने एज्यूम किया, 12 यूनिट वर्क, एफिशिएंसी बताएगा इसकी कोई कितना होगी, 12 वर्क कर रहे 3 डेज में, तो 1 डे में 4 यूनिट, ठीक है। सिमिलरली ये कितना करेगा, 3 यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल कंबाइन करके एक दिन में कितना वर्क करेंगे, कितने यूनिट, 7 यूनिट्स, ठीक है। तो 7 यूनिट कर रहे हैं कितना, एक दिन में, तो 12 यूनिट कितना में करेंगे, 12/7, ठीक है। तो वो करना डायरेक्टली 12/7, अभी आपको क्या लगेगा सर वो इजी था मेथड, क्योंकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो वो मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोलते ना रिपीट करूंगा मैं 10 बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी फॉर्मूला एक्चुअली दैट इज आपका जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल किस केस में होगा, जब दो है, है ना। और भी मैं क्या करूं, a प्लस b की वैल्यू दे दूंगा और b की पूछूंगा, है ना, तो इसलिए मैं फॉर्मूला पे जाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरल मेथड अप्लाई करते हैं। और ये आप 10 क्वेश्चन करोगे ना
तो आप खुद ही बोलोगे सर इसका कुछ है नहीं, ठीक है। आया सुन में आदित्य, आदेश, निशि, अन्य, स्नेहा, नी डाउट? नो सर। उसका एक क्वेश्चन है मैं करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो, ठीक है, इसका आंसर बोलो। पहले तो आर्टिकल याद करो, ट्राई करो बाकी लोग। आंसर ठीक है, हाँ सही है, कितना है आगे 12? ये कितने में कर रहा है? 20 डेज में, ये 30 एलसीएम, 60, ये कितना करेगा? 3 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स करेगा, ठीक है। दोनों साथ में कितना करेंगे? 5 यूनिट्स करेंगे, तो ठीक है, तो कितना होगा? 60/5 ओके, तो देखो 5 यूनिट्स एक दिन में कर रहे हैं, तो 60 यूनिट्स कितने दिन में करेंगे? 60/5 दैट इज 12 डेज, ओके, क्लियर, डन, मान्य। सर एक बार आप पहला वाला सम दिखा सकते हैं? हाँ दिखा रहा हूँ, बाकी कर लें एक मिनट। मान्य हो गया? यस सर। निशी, ठीक है ट्राई करो बाकी लोग, सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं ये पीपीटी क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट टाइम जूम करते हैं अभी, ठीक है। ए बी इज 250% मोर इफिशियंट देन ए एंड कंप्लीट द सेम वर्क टास्क इन 35 डेज लेस देन ए, ओके सर। इसमें 250% मोर मतलब नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी इज 1/3.5 नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए ना, राइट? बिकॉज मोर आता है ना 250%। हां हां तो 350 हो जाएगा ना अगर 100 है। हां आई टुक 250, आई डिडंट रियलाइज मोर, दैट्स व्हाई यू गॉट रॉन्ग आंसर। यस सर, अभी आई गॉट इट राइट। 49 है ना आई थिंक आंसर, 49। पर इसको हम डे से भी कर सकते हैं ना, मतलब 3.5 बी इक्वल टू ए उसका भी कर दे, इनटू बी कर दो ना डायरेक्टली इनटू डी से डायरेक्टली हो जाएगा एफिशिएंट इनटू डी, क्या वर्क तो सेम ही है ना, ओके लेट्स से, ओके तो ये ए क्या हो गया, डे बी ए का ये बी कर लेंगे। कैसे क्या? वही भी आपने भी वीडियो में करने जा रहा हूँ, अभी देखना डिवाइड करोगे तो वही आएगी, हाँ वही आएगा, ठीक है। तो B more efficient 250%, तो अगर मैं efficiency अगर A की 100 assume कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा?
350 हो जाएगा, ठीक है। और अगर डे की बात करूं, कंप्लीट द एंड बी कंप्लीट द सेम टास्क इन 35 डेज लेस देन ए, ठीक है। तो ए को अगर मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूं तो इट विल बी एक्स माइनस 35, बस इस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्स मैंने ए के लिए एज्यूम किया, so 2x equals to 7x minus 7 into 35, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 into 35 by x की 49, इन क्वेश्चन में याद रखना मेथड्स जो लगा रहे हैं आपको उसके बारे में श्योर होना चाहिए, नहीं तो अभी आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा मेथड्स कहाँ पे लगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी और डेज के टर्म्स में दिया था, वर्क सेम था, हम लोगों ने इसलिए ये कंपेयर, ठीक है। निशी डन मान्या डन आदेश नया नी डाउट कैन यू मूव टू नेक्स्ट यस सर ये हो गया सेकंड ये बताओ आंसर आंसर क्वेश्चन फिर जूम करो कितने देश में कर अगर आपने बी का एक्स लिया तो माइनस टू करना क्वेश्चन करो आंसर बोलो भाई आंसर करेक्ट आदित्य आंसर मान्या आदेश एंडिंग सर कितना फास्ट है जो फोन लगा को इससे कृषि में काला है उसमें तो निकालना पड़ता है कृषि सर माइनस प्लस टेंशन कितना गलत चला रहा है कोई सिखाना नहीं है सब कुछ बेटा यूज एक्चुअली यूज इन द सेंस वहां पर फिर मार्क्स नहीं मिलेगा ना क्या भाई आदेश आंसर Doing? Okay. Manya? Okay. कैमरा ऑन कर लो मान्या श्रेया आ गया नीचे जा रहा है क्या
highest or lowest RM. So 24 days, 40, 60 LCM बोलो जबी. 120. इसका कितना आएगा? First का 5 A, D, A2. तो total work कितना हो जाएगा? 10. Okay. और total work है कितना? 120. Total work. ठीक है? क्या हो रहा है? क्योंकि एक दिन में कितना 10 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 120 वर्क करना है, तो 120/10 हो जाएगा. क्लियर? आ गया मान्य? निशी? ओके, आदेश हो गया? आदेश डन? मान्य डन? ओके, नेक्स्ट सर. सर आप वो आंसर्स ब्लर कर सकते हैं क्या? हाँ, एक मिनट देखो नहीं ना आंसर अभी. ठीक है, चलो ये तो फटाफट बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं है, फालतू का क्वेश्चन है. वन बाई फाइव ना, अभी क्या फाइव डे में बना है वन को, तो कितना वन डे में 1/5 ही होगा ना. ठीक है, चलो आंसर बोलो इसका. Probably ये हो गया कि वो 100% more efficient है, तो double ही होगा. आप six करेक्ट. ए कैन कंप्लीट जॉब इन 12 डेज ना, और बी क्या है उससे 100% मोर इफिशियंट है. ठीक है, कर लो, नॉर्मली कर लो बेटा. वर्क तो कांस्टेंट है ना, ए इंटू ईवी डीवी फर्स्ट टू ईवी इंटू डीवी. ओके, ए कैन कंप्लीट जॉब इन 12 डेज, तो ये 12 है, और बी क्या है 100% इफिशियंट है, तो ये अगर 100 है ये कितना हो जाएगा 200, क्योंकि 100% इफिशियंट मीन्स उसका क्या है 100% ज्यादा एक्स्ट्रा है. इंटू ये x फाइंड करना मुझे, नंबर ऑफ डेज b का नाम ऑन कितना, 2 आ गया, 2 से 6 x equals to 6. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे चलें. अच्छा सेम चीज अगर मैं बात करूं, ये सेम क्वेश्चंस जो हमने वर्क में पढ़े, अगर मैं पाइप और सिस्टम की बात करूंगा तो सेम कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, कि अगर एक पाइप क्या होगा 2 आवर्स में भर रहा है तो 1 आवर्स में कितना भर लेगा, तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, सेम मेथड भी यूज करेंगे. ठीक है, बस याद रखना कि अगर सिस्टम पाइप में अगर ये पाइप फिल कर रहा है, दोनों पाइप फिल कर रहे हैं, तो नॉर्मल मेथड लगाना, लेकिन अगर थर्ड एक पाइप आ गया जो इसको क्या कर रहा है एमपीटी कर रहा है, तो जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो ये लेट से ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे लेट से यू गॉट 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो ये क्या हो रहा है, इसको एमपीटी कर रहा है ना, तो ये तो नेगेटिव वर्क हो गया ना, तो यहाँ पे माइनस ले, तो 1 डे का या 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 8 - 2 = 6 आ जाएगा, तो 6 आवर्स आ जाएगा. क्लियर, सेम मेथड आपके अप्लाई हो जाएगा सिस्टम एंड पाइप में. बाकी प्रोसेस सेम ही. ठीक है,
वेरी गुड निशी निशी डूइंग हो गया निशी सर ऑलमोस्ट आई थिंक आई एम ऑन द लास्ट स्टेप एक मिनट मिस आदेश डूइंग ओके स्नेहा कर रही हो He can clean the floor in 5 hours. B, 4 hours. C is 10 hours. ठीक है. ऐसे हम अगर लोगे तो कितना 20? तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है. 11 आ जाएगा. ठीक है. 11 एक दे एक आज में कर रहे हैं. कितना करना है? 20 is between 31. ठीक है. ओके निशी नेक्स्ट पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है आंसर ट्वेल्व वाट्स ओके एम्प्टी कर रहा है याद रखना नेगेटिव वर्क होगा माइनस 1 ना नीचे माइनस 1 इसको माइनस 1 ये 3 आवर्स में कर रहा है ठीक है 4 माइनस 3 एंड ये 4 आवर्स में 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 12 सर 12 ओके फोर आ जाएगा एफिशिएंसी इसका 3 कितना 1 हो जाएगा है ना लड़ना नहीं है कितना होगा देखो आप तो माइनस निकल के आना अच्छा आप ये तो नहीं देख रहे हो बेटा ये तो एफिशिएंसी निकाली मैंने ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव पॉइंट है निकाल रहा है जो मतलब एम्प्टी कर रहा है वही हो जाएगा ठीक है तो ये 4 माइनस 3 1 वर्क हो रहा है किसका 1 आवर्स में ठीक है कितना आवर्स वर्क करना है 12 तो कितना आवर्स लगेंगे 12 आवर्स ठीक है 12 बाय 1 क्लियर ओके आया निशी मान्या डन यस आदेश स्नेहा आदेश रिपीट करना है क्या एक्सप्लेनेशन नहीं सर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डू इट ये थोड़ा सा टाइम लेके करना अच्छे से ठीक है
टाइम आफ्टर इज द टाइम विल बी हाफ स्किल्ड फाइव स्किल्ड फाइव टेन किसका था होगा एक का था अभी दोनों चालू है क्वेश्चन पढ़ो एक बार दो बार पढ़ो आप इनकी जो बल्ब होगा वो हाफ कर देना रॉन्ग है पॉइंट्स का नहीं होना चाहिए टाइमिंग बताना है जिससे हम लोग फेल करते हैं वो टेन आवर्स में अकेले कर रहा है फेल करता जैसे मैंने बोला था ए अराउंड ट्वेल्व तो कितना टेन आवर्स में अभी क्या किया इसको ओपन किया नाइन टू फेल करने स्टार्ट हुआ ठीक है फेल करने स्टार्ट हुआ अभी एक घंटे के बाद मैंने क्या दूसरा भी चालू किया तो आफ्टर टेन ओ क्लॉक बोथ विल वर्क ठीक है तो अभी क्या होगा कि जो अकेले आउटलेट वाला है अगर वो एमबीटी करने की बात करें तो फिर तीन आवर्स में एमबीटी करता है ठीक है तो अगर मैं बात करूं लेट्स से अगर 15 में करता है वो 10 में करता है तो मैं इसका क्या लिख रहा हूं अगर अकेले अगर मैं बात करूं लेट्स से 5 ए है अलोन अलोन अगर ये वर्क करता तो ये कितना करता हमारे पास 10 आवर्स में करता ठीक है और ये अकेले एमपीटी कर रहा होता तो कितना 50 आवर्स ले रहा होता तो अगर ये मैं बात करूं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 150 ठीक है और छोटा भी ले सकते हो क्या ले सकते हो अभी मैं कुछ क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है मैंने दो डेटा मुझे मिले कि 10 आवर्स में ये क्या कर रहा है फेल कर रहा है और ये 15 आवर्स में एमबीटी कर रहा है अभी मुझे कुछ नहीं पता मैंने इनके अकॉर्डिंग 30 वर्क ले लिए ठीक है तो ये कितना कर रहा होगा 1 आवर में 3 फेल कर रहा होगा ये कितना 2 एमबीटी कर रहा होगा ठीक है अब क्या किया वो ये वाला कितने 1 आवर के लिए चला इसका कोई मतलब नहीं अभी बंद है इसने 1 आवर में कितना पानी फिल कर दिया होगा कितना क्या होगा 3 यूनिट्स तो बाकी कितना भी अभी मुझे फिल कितना करना है नहीं नहीं टोटल जो आपको करना है हाफ फिल करना है दैट मीन 15 वर्क चाहिए मुझे 3 ऑलरेडी कर चुका तो 12 कर रहा होगा आप दोनों हैं आप दोनों स्टार्ट हुए तो कितना वर्क कर रहे हैं 1 तो 1 कर रहे हैं करना कितना है 1 कर रहे हैं एक आवर्स में तो 12 वर्क करना है तो कितने लगेंगे 12 आवर्स और 1 आवर तो ऑलरेडी था तो 10 o'clock से स्टार्ट हुआ तो रात के 10 o'clock हो जाएगा राइट अंडरस्टैंड इट सम कैन यू टेक दिस सम यूजिंग एग्जांपल ऑफ से वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन अच्छा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया नहीं अगर हम ये सम में लेट्स से वी टेक द वॉल्यूम टू बी 100 लीटर्स उसे सॉल्व किया तो कैन यू शो दैट
लेकिन बेटा उससे करना क्यों? मैंने बोला था फिर आपके फ्रैक्शंस में फंस जाओगे आप, समझा देते आपको वो मेथड समझ में आया जो मैं कर रहा हूँ, जिससे क्वेश्चंस कर रहा हूँ? हाँ सर, है ना, वर्क को हम लोग क्या ले रहे हैं, एलसीएम लेके कर रहे हैं, वो समझ में आया? तो क्या बोला मैंने, क्या कि ये 10 में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, ये 15 में फिल कर रहा है, सॉरी एमपीटी कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 30 इनका एवरेज वो क्या हो गया, एलसीएम 30 लिया हमने, तो ये 10 आवर्स में कर रहा है 30, तो 1 आवर में कितना करेगा, 3 यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली ये कितना एमपीटी करेगा, 2 यूनिट्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ते, क्या बोल रहा है कि जब ये चालू था कितने 1 घंटे, एक आवर्स के लिए, 1 आवर्स के लिए, तो जब 1 आवर के लिए हो तो इसने कितना वर्क किया होगा, 3 यूनिट्स किया होगा, ठीक है। और मुझे फिल कितना करना है, टैंक टोटल टैंक की कैपेसिटी कितना, 30 यूनिट्स है, तो मुझे कितना 15 यूनिट्स करना है। तो उसमें एक घंटा जब बी चालू नहीं हुआ, सेकंड वाला डिस्चार्ज वाला चालू नहीं हुआ, तो इसने 3 वर्क कर लिया, तो दैट मीन 12 वर्क मेरे पास रिमेनिंग रहा होगा, ठीक है। अब तो दोनों साथ 10 o'clock जैसे ही हुआ, एक घंटा हो गया, तो दोनों चालू थे, तो दोनों चालू होकर मिलकर कहता है ये 3 वर्क कर रहा है, एक आवर्स में फिल कर रहा है, और ये 3 यूनिट्स क्या, 2 यूनिट्स क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो 1 यूनिट एक घंटे में क्या हो रहा होगा, फिल हो रहा होगा। कितना फिल करना है मुझे, 12, तो 12 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। तो 9 to 10 तो एक घंटे ऑलरेडी चला है, और 12 आवर्स दोनों साथ में चले, दैट मीन 13 आवर्स हो जाएगा, तो 10 PM हो जाएगा। क्लियर अभी, ठीक है आदित्य? यस सर। ये वॉल्यूम से नहीं करो बेटा, आप फंसोगे फिर उसमें फ्रैक्शंस में, एनी हाउ आप डिवाइड ही करोगे, 1 आवर का निकालोगे, लेट से आपने 100 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे 100/10 करोगे यहाँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, 10 यूनिट्स आ गया इसको पर आवर, और ये एमपीटी कितना करेगा, ये 100/15 करेगा, तो यहाँ फ्रैक्शन में फंस जाओगे, आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट्स पर आर आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि एक घंटे में 10 भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 यूनिट्स कितना हो गया, माइनस, तो 90 आपका यूनिट्स फिल करना है, सॉरी 100 था ना, तो 50 फिल करना है, तो 10 इसने 1 आवर में किया होगा, तो 40 बचा होगा, तो 40 फिल करना है आपको, और दोनों मिला के कितना करेंगे, ये कितना 10 यूनिट्स माइनस, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कट करते रहो बाइक से, 20/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना बनेंगे, 30 - 10/3 फिल कर देंगे, ठीक है। तो 10/3 करना है, करना कितना है, 3 डिवाइड कर दूंगा मैं बाई 3, सो 40/100 × 3 4 आ गया, तो यहां से भी आंसर देखो 12 आ रहा है, ओके। तो आप एक्स लो 100 लो कुछ भी करो, आंसर सेम ही आ, ठीक है। अभी आ जाए तो वॉल्यूम से भी किया मैंने, ओके निशी, मान्या, आदेश, रिपीट करना है किसी को? नो ये ट्राई करो, फिर ब्रेक लेंगे हम लोग। सर 5 days, ठीक है। कैसे करना है, इसमें भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में एक रिलेशन है एक्चुअली। तो जो मेन वाले क्वेश्चन है, कितने मेन इतने वुमेन से वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करना है मुझे, तो जैसे नंबर ऑफ मेन, ओके, एम इनटू डी विल बी इक्वल्स टू एम टू इनटू डी, अगर एफिशिएंसी आएगी तो यहाँ पर लो E1/2 डिवीजन में करेंगे, ठीक है। अगर आस आ रहे हैं तो इसमें आस भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है 5 भी हो जाएगा ना, देखो 4 मैन है 10 डे लगा रहे, कोई डबल कर दिया मैन को तो हाफ डे नहीं हो जाएगा, आस लगेंगे, है ना। सर व्हाट इज E1 एंड E2 इन द फॉर्मूला? Efficiency actually, they are efficiency. They are number of men. M is number of men. Yeah, मतलब
वो है ही जो है वो रखेंगे हम लोग, बाकी तो सेम ही है ना, आज तो सेम लोग करेंगे। हाँ, इसमें हमारे केस में क्या एम है, एम कितना है, फोर इंटू नंबर डेज डेटा टेन इक्वल्स टू, जो नहीं है वो हम लोग वन ले लेंगे, दैट भी इफिशियंसी सेम ही होगी ना, है ना, आज नंबर ऑफ आज वर्किंग आज सेम ही होंगे, तो वन वन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम आएंगे, ये बोल रहा हूँ मैन तो सेम ही है ना, है ना, वुमन और मैन होते तब और इफिशियंसी उनकी डिफरेंट होती तो हम लोग कर सकते थे, या बॉय और किड और मतलब मैन होता आदर होता तो चेंज हो सकता नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, एम टू कितना है, एट इंटू या एक्स फाइंड करना है, एक्स क्या हो गया मेरे पास फाइव। ठीक है, तो जो वैल्यूज गिवन है वो लेना, ये इन जनरल फॉर्मूले दे दिया। ठीक है, जो जो वैल्यूज होंगी वो हम लोग कर लेंगे, बाकी को हम लोग स्किप कर लेंगे। डन, निशी मान्य आदेश? यस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर बोलो। Four days. Okay. Four correct. Again. Four point two days minus. Yeah. Answer is actually four. रीजन क्या है कि हम थ्री यहाँ पे डिसाइड है ना, तो आया ना फोर्थ में डबल हो गया है, तो क्यों चेक सारा डबल एक भी आंसर करके आ रहा है, तो हम सिक्स डिसाइड है ना, फोर इनटू सिक्स बाय थ्री एक्स एस डी बाय वन वन यार ना, हाँ वन या लॉजिकली इट मेक्स सेंस रियली। हाँ बैठा क्या
पुअर मैन टेक सिक्स डेज टू बिल्ड अ वॉल, ठीक है, तो 4 × 6 हो गया, ठीक है, तो डे निकालना है मुझे, तो डे अगर मैं बात करूं डबल कर रहे हैं ना, डबल द वॉल, ठीक है, तो मैन कितने हो जाएंगे, 8 मैन हो जाएंगे। सर पर ऐसा सा लिखा ही नहीं है ना कहीं कि मैन भी डबल हुआ है। सर वर्क को डबल कर दीजिए ना, वर्क को डबल करना है, बात तो सेम ही है ना, की बात है, हाँ ठीक है सही बोल रहे हो, 4 × 6 अपॉन क्या बोला 3, जो आपने क्या लिखा इक्वल्स टू और इसको डाउट है कि यहाँ पे 3 1 लिखना चाहिए, यहाँ पे 3 यही डाउट है ना, मुझे पता मैं क्या लिखा है, ये 4 हमने मेन लिए, ठीक है, इंटू डी लिए, एम इंटू डी, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने उतने लिए, डी यहाँ पे डबल कर लिए, नंबर ऑफ डेज के लिए, आंसर है, नंबर ऑफ डेज एक्स लिया मैंने, मैंने नीचे तो इफिशियंसी लिखा है कि इफ दे आर रेडी टू वर्क एट द थ्राइस द इफिशियंसी, ठीक है, तो थ्राइस अगर आपकी बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे 1 लिखोगे अगर एफिशिएंसी, तो यहाँ पे 3 ये बोल रहे हो, नहीं ठीक है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ यहाँ 3 क्यों नहीं, यहाँ 1 क्यों नहीं, ये बताओ, मैं वही बोली ना जो हम लोग स्कूल में करते थे, टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला में लिखा था, उसमें कुछ दे रहा था, लाइक कोर्स एफिशिएंसी, अच्छा ये थ्राइस किसकी एफिशिएंसी है बताओ, सेकेंड केस की ना, तो वो ही मैं बोलूं यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था, ठीक है वो लॉजिकली ठीक बोल रही, लेकिन क्यों, सर माय इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, क्या बोली, पार्डन निशी, माय इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, आपने कैसे बनाया, 4 × 6/1 = 4x/3 whole into 2. 4 × 6/1 = 4x upon 3 or 4x go into 2. Into 2 किया आपने? हाँ. क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है ना they work they double the wall they take they will double the wall. तो आपका 9 आ जाएगा. 9/2. By 2 क्यों किया आपने? I don't know, मेरा हो रहा है जब मैंने 6 को 4 से करा तो 24 and 3 came ऊपर की साइड तो 24 × 3/8 × 2 और किसका आंसर आया था सर, हाँ आदित्य, माय गाइस दिस इज समथिंग, हाँ एक सिंपल ट्रिक है, अगर द नंबर ऑफ मेन आर सेम एंड द वॉल साइज इज डबल तो नेचुरली द डेज विल बिकम डबल, 6 का 12 हो जाएगा, but if they're working at thrice the pace
That means time will be reduced to 1/3. So 12 by 3 is 4. ठीक है, लॉजिकल से लॉजिक से किया उसने करेक्ट. ठीक है, क्या किया कि डबल अगर करना है दैट मीन क्या हो जाएगा, फोर मैंने है ना, क्या हो जाएगा उसको अगर सेम डबल वर्क करना है तो 12 डेज ले लेंगे बस. बस और कोई देगा लॉजिक आदेश, कुछ बताओगे कभी है रहोगे बस. सर वो टेंथ वो आप 8th वाला सम दिखाएंगे एक बार, क्या कह रहे हो, कैन यू शो द 8th सम अगेन, 8th यस दिस वॉल्यूम वन. ओके वॉल्यूम की बात करें. ठीक है करेंगे, एक मिनट ब्रेक लेंगे हम लोग. नहीं वो आप उसको पीपीटी में दिखा देना, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट ड्यूरिंग द ब्रेक. नहीं मैं समझा नहीं, वॉल्यूम की बात कर रहे हो आप. हाँ वो पाइप सिस्टम वाला, कैन यू जस्ट पुट दैट सम ऑन द स्क्रीनशॉट, वो ब्रेक में ट्राई टू सॉल्व इट. ये पीपीटी का क्वेश्चन थी, पीपीटी में ही सर वो 8th वाला सम था ना, पाइप सिस्टम वाला. लेकिन एक बात सोचो 5 मिनट के लिए मुझे आंसर चीज. ठीक है आप भी बैठ सकते. ठीक है 5 मिनट्स में मिलते हैं हम लोग, ब्रेक लेंगे. ठीक है निशी आप भी सोचो थोड़ा सा, ठीक है नहीं आए तो डिस्कस करें. ओके उदय सर
निशी कैमरा ऑन करो मान्या आदेश सर आई फिगर्ड आउट टू अदर वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम हाँ सेम प्रॉब्लम फर्स्ट मेथड दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है वी टेक वॉल्यूम टू बी 300 लीटर्स ओके एंड ये कौन सा है पाइप की बात कर रहे हो हाँ यही सब ठीक है वी टेक वॉल्यूम टू बी 300 लीटर्स And जो first pipe खोलता है, that is written that 10 hours में it can fill it completely. तो एक घंटे में it will fill 30 liters, correct? So at 10 a.m. the remaining volume is 270 liters. Now the inlet pipe, उसका speed है 30 liters per hour, and the outlet pipe, उसका speed है 20 liters per hour, correct? So जो net inflow है That is 30 minus 20, that's 10 liters per hour. तो हर घंटे जो volume of tank है वो 10 liter से बढ़ते जा रहा है अब हमको 270 से उसको half fill करना है मतलब 30 liters हो गया है और बाकी का 120 fill करना है to get to 150 ना तो अगर 120 liters fill कर रहे हैं और net inflow अगर 10 liter है तो 12 घंटे हो जाते हैं तो you add 12 घंटे to 10 so you get 10 pm at 10 एक्चुअली आदित्य आपने शायद ध्यान नहीं दिया सेम मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया विद द आपने 300 क्यों लिया आप 30 भी ले सकते थे उसके उसमें हाँ है ना वही मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली आप सेम क्वेश्चन किया सेम मेथड हम लोगों ने किया लेकिन आपने फोकस नहीं किया उसका इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी मैंने क्या बोला था इसको मैंने 30 ले लिया ठीक है क्यों लिया था क्योंकि आपने भी शायद आई थिंक 10 और 15 को मल्टीप्लाई करके किया होगा एलसीएम लिया मैंने और 15 का ठीक है तो मैंने बोला कि ये 30 वर्क था तो मुझे कितना वर्क कराना है 15 वर्क कराना है जैसे आपने 150 बोला ठीक है तो ये 30 का 15 वर्क कराना है ये क्या कर रहा है 10 वर्क कर रहा है 10 आवर्स ले रहा है 30 वर्क करने में तो 1 आवर में कितना करेगा 3 वर्क करेगा ठीक है जो आपने 300 बाई 10 करके किया ठीक है सिमिलरली इसकी बात करूंगा दे विल डू नेगेटिव वर्क टू यूनिट्स नेगेटिव वर्क करेगा ठीक है जो आप सेम प्रोसेस आप भी कर रहे हो ठीक है इनका अगर मैं बात करूंगा तो ये एक घंटे चला ना जब ये ओपनिंग वर्क तो इसने थ्री वर्क कर लिया होगा एक घंटे में तो 15 चाहिए था तो 12 वर्क बचा होगा जो मुझे कराना है दोनों को कंबाइंड करके ओके तो कंबाइंड अगर मैं करूंगा तो इट इज डूइंग थ्री वर्क ये कर रहा है माइनस टू वर्क तो कंबाइंड करेंगे तो 1 यूनिट वर्क होगा 1 आवर में तो कितना चाहिए मुझे 12 यूनिट बाद तो 12 आवर्स लग जाएंगे तो वही सेम हम कर रहे हैं लेकिन सिंपल वे में कर रहे हैं और एक द सेकंड मेथड व्हाट आई फाउंड इज वी टेक वॉल्यूम टू बी 300 लीटर्स वही वॉल्यूम रखते हैं हम एट 10 एएम द रिमेनिंग वॉल्यूम इज 270 लीटर्स एंड इसका स्पीड है सॉरी इसका टाइम है 10 आवर्स उसका टाइम 15 आवर्स सो टोटल टाइम टू फिल द टैंक इज 30 आवर्स एंड हमको 30 आवर्स में अगर हम 300 लीटर्स फिल कर रहे तो 27 आवर्स में हम 270 फिल करेंगे और 12 घंटे में 120 फिल करेंगे तो हमको 130 तो भर गया अभी तो हमको 120 और ऐड करना है तो 12 घंटे 10 एएम प्लस 12 घंटे 10 पीएम ठीक है सही आपका कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन व्हाट आई सजेस्ट कि आप ये मेथड सीखो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं आगे जाके अभी ठीक है आप कर रहे हो लेकिन जब क्लब करेंगे और कोई लेफ्ट कर जाएगा जो वर्क को डिसकंटिन्यू करेगा है ना सर नहीं अगर हम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करें ना मतलब 9 एएम में सिचुएशन क्या होगा 10 एएम में सिचुएशन क्या होगा और उसको विजुलाइज करें कोई वैल्यू से इसलिए मैंने एक्स नहीं लिया मैंने कोई एक्चुअल वैल्यू लिया 300 या 30 ऐसा बोल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो मैं नहीं कह रहा हूं आप परफेक्टली करेक्ट हो आपका आंसर भी करेक्ट है आपका मेथड भी करेक्ट है आप अप्लाई भी कर सकते हो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ये अप्रोच भी आप सीखो आपको कन्वीनियंट लगेगी है मैं बोल रहा हूँ आगे जाके ओके सर आप करेक्ट है वो आपकी चॉइस है ठीक है एग्जाम में मैं भी नहीं आऊंगा आपको करना है जो आपको करना है ठीक है और ऐसे भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एनी हाउ आपका आंसर चाहिए ठीक है वो आपकी चॉइस ठीक है क्लियर यहाँ पे देखो जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे देखो एक बार जो मैंने फॉर्मूला लिखा था एक्चुअली ये इवन तब आएगा जब ये डी नहीं होगा यहाँ पे ठीक है तो वो रॉन्ग कर रहा था तो यहाँ पे डी लिया क्योंकि ये डब्ल्यू बाई टी इज नथिंग बट योर एफिशिएंसी
ठीक है, तो यहाँ पे W है, E नहीं है, W है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना, दिस इज W एक्चुअली, मैंने बुक में W लिख दिया, ओके, सो दिस इज नथिंग बट M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W. कौन सा क्वेश्चन के लिए ना, हाँ ठीक है, एक मिनट सर, नाउ वी आर डूइंग टेक्सटबुक सम्स. नहीं नहीं अभी थोड़ा क्वेश्चन बाकी है. ओके सर, तीन चार क्वेश्चन और. तो ये देखो M1 था मेरे पास, कितने मैन थे, 4 मैन थे, डेज कितना ले रहे हैं 6, H तो है नहीं है मेरे पास, अपॉन W कितना वर्क मैं इसका 1 एज्यूम कर लेता, ठीक है, अभी कितना वर्क करना है मुझे, डबल वर्क करना है, वर्क 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 डबल वॉल बनाना है ना, तो 2 आएगा, ठीक है, D मुझे फाइंड करना है, D2, यहाँ पे देखो M की अगर मैं बात करूं तो 4 मैन थे ना, वो वर्क कर रहे थे, अगर इफिशियंसी की बात टर्म्स में बात करूं कितना ट्राइज करना, दैट मीन वो कितना मैन कर रहे हैं, 12 मैन वर्क करना चालू करेंगे ना वो, ठीक है, ट्रिपल हो जाएंगे ना, तो मैन कितना, मैं 12 मैन लगा रहा हूँ इनडायरेक्टली अगर मैं इफिशियंसी की टर्म में, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 टू जे 12 और ये 2 टू कैंसिल होकर आंसर 4 आ जाएगा. एफिशिएंसी की मैं बात क्या करूं, अगर मैं लेट से अगर कोई वर्क कर रहा हूं तो मैं अगर डबल करने लगा मतलब क्या हो, दो दे वर्क करने लगे ना, तो वही हुआ ना डबल हो, तो थ्राइस कर रहे हैं, दैट मीन 12 मैन वर्क कर रहे हैं, तभी वर्क होगा ना, ठीक है, तो वह आंसर है, तो एक्चुअली दिस इज W नॉट इवन. इवन कब आएगा, जब मैंने बोला कि ये एक्चुअली है क्या, वर्क डिवाइड बाई डे, तो ये नीचे लाओगे तब M1 H1 बाई D1 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ओके, तो D है तब W है, क्लियर, ओके, नेक्स्ट करते हैं. आंसर बोलो, तो डायरेक्टली हो जाएगा M into D करके कर लो, M1 D1 equals to M2 D2, M1 D1 equals to M2 D2, मैंने कितने मेरे पास 100, D कितना 60 ले रहे, अभी क्या 50 मोर मैन ज्वाइन ना, तो कितने हो जाएंगे मैन 150 हो जाएंगे, into टाइम में फाइंड करना, ठीक है, तो D2 कितना है मेरे पास 40 days, कितना का 40 आ जाएगा डेज, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 है तो 40 हो जाएगा, क्लियर, मिसी क्लियर है, यस सर, मान्या आदेश डन, आदित्य हो गया क्वेश्चन, यस सर, ओके, 40 था आंसर, नेक्स्ट ये ट्राई करो, सर वो आंसर हाइड, अच्छा अच्छा हाँ, ये बोले इसका आंसर बोलो कोई, नहीं नहीं टोटल वर्क के लिए 50 रुपीस मिल रहे थे, तो दैट मीन इफिशिएंसी को कंपेयर करना पड़ेगा, किसको वाई की बात हो रही है, क्योंकि टाइम पे देख रहे हैं, वर्क भी देखना पड़ेगा, ठीक
तो आप अगर दोनों को कंपेयर करने बैठोगे तो आपको दो दो डिफरेंट तभी तो देखो रेशियो इनवर्स है उसका है ना. आप वर्क का रेशियो देखो टाइम का वर्क इनटू टाइम क्या मेरे पास कॉन्स्टेंट करवा पे एफिशिएंसी है ठीक है इनवर्स भी प्रोपोर्शनल आएगा वहां. कितने आ रहे एफिशिएंसी बताओगे एफिशिएंसी आएगा ठीक है ऐसे ही क्या होगा ना एक्चुअली मैंने वो फ्रैक्शन यूज किया. हाँ ठीक है चलेगा कर सकते तो ये मैन था ठीक है कितना 10 डेज में कर रहे हैं और ये मैन प्लस बॉय दिया था ठीक है कितना है 6 डेज में एलसीएम कितना आएगा सो 30 आंसर आंसर इज 20 ओके तो ये कितना 3 हो जाएगा इसका वर्क कंबाइंड कितना होगा 20 आंसर लाने के लिए करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन. कैसे अगर अगर 10 डेज में मैन अकेला काम कर रहा है और अगर बॉय उसकी हेल्प करता है और अगर सपोज वो 5 डेज हो जाता तो बॉय को 25 रुपीज मिलता पर वो 6 डेज है 25 से सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन इज 20 ना कम. हां तो एक्चुअली वो ही करें हम लोग भी वैसे ही करेंगे. देखो 6 है इसका ये 5 कर रहा है तो ये अकेला बॉय कितना करता होगा 2 करता होगा तो रेशियो कितना है इसका 3:2 तो कितना हो गया बॉय का कितना हो गया 2/5 ओके इससे का चाहिए 50 का चाहिए मुझे तो 10 20 ठीक है सही है मान्य आपका ठीक है कोई ओ निशी करेक्ट आदेश ये टाइम एंड वर्क हम नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे ठीक है. X plus Y कितना है 720 120 with the help of Z they finish it in 5 minutes. My friend Dino is kind of shared and found getting up with 720 यही होगा कितना बोले आंसर आप 120 जेड को कितना पे करेंगे ठीक तो एफिशिएंसी 120 हाँ करेक्ट है कितना आएगा 30 2 3 एक्टिंग वर्क करती है काम कम करती है ना 6 आने ठीक है तो इनका क्लब कितना है 5 है तो जेड का कितना हो गया 1 ओके तो जेड और उन कितना हो गया 1 और अभी दोनों हाँ तो 720 एक्चुअली किसका था सबका मिला के ना एक्स एंड वाई का था लेकिन जेड ने भी 50% को भी दे रहा हाँ मतलब टोटल एक्चुअली अमाउंट 720 है ना कितना होगा 1/1 टोटल कितना हो गया
11 ना नहीं बट सर हम एक्सटेंड माइक्रो फिल्म की सॉरी 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 सर ये वन है ये 6 था ना कितना हो गया 6 ना बाय 6 7 2 7 1 क्यों ये तो क्लब तीनों का था ना जी मैंने क्या किया कि 30 मिनट्स का वर्क है एंड दो तीन हमारे पार्ट्स में कर वैसे ही भाई आपने माइनस करके कर दिया ना वो एक्सरसाइज मैंने और ड्रा नहीं कर रहा डन निशी सर मेरा इतना आ गया कि जो एक्स और वाई है वो मिलकर वर्क करेंगे 1/6 में और जेड 1 डे में करेगा पर उसका अमाउंट कैसे निकालना है ये नहीं समझ आया देखो बेटा 720 मिल रहा है एक्चुअली एनीहाउ एक्स प्लस वाई वर्क कर रहे थे प्लस वाई वर्क कर रहे थे तो 720 रुपीस मिल रहे तो एनीहाउ जो वर्क को करने का जो अमाउंट मिलने वाला है ना हां दैट विल बी 720 चाहे तीन लोग करे चार लोग करे एक करे कोई भी करे ठीक है तो 720 था तो कितना कर रहा है जेट 1 कर रहा है आउट ऑफ 6 कर रहा है 1 + 3 + 2 = 6 तो 1/6 तो होगा ना उसका 720 सो दैट विल बी 120 ओके यस क्लियर तो एक्चुअली आप उससे कंफ्यूज हो रहे हो कि 720 तीनों का मिल रहा है कि दो का मिल रहा है तीन का कैसे मैंने वो वर्क फिक्स है ना तो मनी भी तो फिक्स रहेगी ना उसकी ओके तो 720 फिक्स रहेगा आदेश क्लियर डिसकंटिन्यूअल वर्क का एक्चुअली क्वेश्चन नॉर्मल भी करोगे तो हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं उससे जो ट्री डायग्राम से भी करोगे सिक्सटीन ही आएगा ना बेटा क्योंकि दो क्या हो गए इल हो गए और 6 ऐड हो गए तो 4 एडिशन में आएंगे ना तो 16 हो जाएंगे ठीक है हाँ तो ये क्वेश्चन एक्चुअली डिस्कंटिन्यूड वर्क के हैं इसमें केस में क्या करते हैं हम लोग टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का एडिशन करके कर रहे हैं ठीक है तो टोटल कितना था 12 मंथ थे मेरे पास कितने डे में कर रहे थे 9 डे में कर रहे तो स्टार्टिंग में क्या था वो सेम 12 ही कर रहे थे ना कितने देर तक वर्क किया नहीं तो इसके हिसाब से तीन दिन तो वर्क किया ना हम लोगों ने तो कितना वर्क किया होगा 12 × 3 ठीक है प्लस अभी नेक्स्ट कितना 16 है और कितना डे में करेंगे वो हमें फाइंड करना है फाइंड कर दो ठीक है आंसर बोलो पॉइंट्स में आंसर है करेक्ट है पॉइंट में एंड ये वर्क तो सेम ही रहेगा आप कितना भी कर लो तो वर्क को इक्वेट कर दे मैंने 62 ऑप्शन 4.5 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4.5 नहीं आ रहा आपने 31.8 बोला है वैसे वैसे भी नहीं करता क्योंकि 12 मैन है सिर्फ इसी फॉर्मूला से हाँ फिर ऐसे लॉजिकली हो सकता है हाँ लॉजिकली
उन्होंने पहले 3 दिन में उन्होंने 5 दिखाकर दिया ना 12 महीने सो 5 दिखाकर स्टार्ट तो 2 देखो स्टार्टिंग में 3 दिन के बाद वो लोग एलिव हुए ना और ऐड हुए तो कुछ तो वर्क कर लिया होगा ना उन लोगों ने तो वो वर्क कितना किया होगा नॉर्मली अगर 9 डेज में कर रहे हैं तो 3 डेज में 12 into 3 ही होगा ना है ना अगर मुझे पता है कि टोटल ऑफ द वर्क 16 डेज में 16 मेन कितने दिन में करेंगे मुझे चाहिए हां तो उसके लिए 1 मेन कितने दिन में करेंगे वो निकाल लो 9/12 तो उससे लॉजिक से कर लेंगे होने को उससे ड्रिंक से भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं 1 मेन के लिए निकालना आदित आ गया आदित आंसर यस सर 4.5 यस सर शिव आदित एक्सरसाइज चालू किया आपने नहीं सर करना था क्या नहीं नहीं अगर बैठे थे तो कर सकते थे ये होता ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट में हम लोग करेंगे 1 आवर में कर लेंगे कंप्लीट ठीक है और रेशियो प्रोपोर्शन भी चालू करेंगे ओके आ चाहिए बेटा आ चाहिए 1 मिनट का प्रिपेयर हो जाएगा देखो आप जो बोल रहे हैं आप कितना बता 3/3 वर्क बचा ना ये वर्क मुझे करना है ठीक है कितना 16 अगर मैं बात करूं कितना 1 कितना करेगा 9/12 डेज में कर रहा है याद रखना डेज आएंगे 1 में तो 1 डे में कितना करेगा 12/9 आ जाएगा ठीक है तो 4/3 आएगा ठीक है कितने लोग 16 तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे कितना वर्क करेंगे ठीक है 16 ना तो ये इतना वर्क आएगा और करना कितना मुझे 2/3 ओके आ गया निशी यस सर ठीक है अभी ये रहने देते हैं हाँ इसका आंसर बताओ इजी है बताओ फटाफट क्या बेसिक ग्रुप में ये सीट ना सर इसका मतलब टैब बंद कर दिया है एक मिनट नहीं नहीं बंद नहीं किया बेटा तो फिर एमटी कैसे होगा नहीं नहीं लीक है ना यहाँ पे एक और टैब है ना लीक है ना ड्यू टू अ लीक केवल अगर लीक अगर चालू रहेगा ना एक्चुअली वो जो एग्जॉस्ट पाइप रहेगा वो चालू रहेगा तो वो कितने देर में फिल कर वो करेगा एमटी करेगा वो बोल रहा है अगर लाइन का फिल होगा तो लाइन का से एमटी पे चलेगा नहीं ना वो बेटा लीक अलग है ना लीक मींस वो सेपरेट पाइप होल होगा ना यहाँ पे क्या ये फिल कर रहा है यहाँ पे कोई होल होगा तो यहाँ से करना ना एमबीटी तो अगर बोल रहा है कि ये बंद कर दूं हाँ निशि अगर उस टाइम में आप बात कर रहे हो तो ये अगर नहीं है मेरे पास और केवल टैंक फुल होता और इसको अगर एमबीटी कर रहा हो तो कितने देर में करेगा वो करना है ठीक है तो उसकी भी बाकी तो आंसर बोलो बेटा याद रखना निशि ने जो 10 आवर्स दिया ना तो 10 आवर्स मींस दोनों का ऐड करके मींस सबट्रैक्शन करके ओवरऑल निकल दिया हमें 10 ओवरऑल हां एक्चुअली पढ़ो ना क्वेश्चन इस सिस्टम कैन फिल्ड इन 10 9 आवर्स लेकिन अगर लीक है तो 10 आवर्स में भर रहा है मतलब क्या होगा दोनों कंबाइंड साथ में चल रहे होंगे तब 10 आवर्स लगेगा ना उसको ज्यादा लगेगा अच्छा, क्वेश्चन में आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा
आगे आपका तो ये कहता है अगर मैं बात करूं तो ये 9 hours ले रहा था 90 hours हाँ करेक्ट है जब दोनों कंबाइंड हो रहे हैं ओके लेट्स ए प्लस बी ए माइनस बी तब 10 hours ले रहा तो मुझे इसका बी का चाहिए ए ठीक है तो एलसीएम 90 लिया मैंने तो कितना होगा 10 hours ले रहा होगा तो ये दोनों क्लब करके कितना ले रहे होंगे मेरे पास 9 hours तो एक्चुअल में अगर ये एम्प्टी कर रहा होगा तो कितना 1 hour में करेगा ठीक है तो 1 hour में 90 तो 90 hours हो जाएगा ठीक है क्योंकि 1 चाहिए मुझे यही चाहिए था ओके आई सी आई डिड 1/9 माइनस 1/10 तो भी 90 आ रहा है 1/9 माइनस 1/10 हां ठीक है ना करेक्ट करेक्ट सेम ही होगा ना इसका माइनस करके भी सेम ही आ जाएगा वैसे कर ठीक है आज यहीं पे स्टॉप करते हैं नेक्स्ट क्लास में लोग कंटिन्यू करेंगे इसको आप लोग क्या करना अगर टाइम मिले मतलब निकालना पड़ेगा मिलेगा नहीं तो होमवर्क पूरा कर लेना ट्राई करना नहीं होगा तो हम लोग डिस्कस हाँ और किसी को और टाइम मिल रहा है फिर ये तो क्लास वर्क मंडे कौन सा डाउट सर व्हाट टेस्ट डू वी हैव टुमारो बेटा आपको मिला होगा ना उस पे क्या नाम अपने लॉगिन करके हो ना सर उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा है जस्ट सेज टेस्ट है आप ग्रेड स्कोप में बात कर रहे हो आप वेबसाइट में बात कर रहे हो ओके सर ऑल राइट टॉपिक वेबसाइट में मिला कि ग्रेड स्कोप में मिला वेबसाइट पे लॉगिन करना कौन सा टेस्ट है वोकैबुलरी एंड सेंटेंस करेक्शन है ना आप विषय में लॉग इन करो तो आपको पता पड़ जाएगा ठीक है ओके सर ग्रेड स्कोप में एक्चुअली आई थिंक टाइम टेबल में बताता है कौन सा टेस्ट कब है और वेबसाइट में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा वहां पे कौन सा टेस्ट ओके सर सेम हो है वोकैबुलरी एंड सेंटेंस करेक्शन ठीक है ठीक है आदेश विषय आदेश नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाय थैंक यू Thank you, sir. Thank you.